नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैप्सन PLQ30 पासबुक प्रिंटर में जो कॉमन प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलता है उसका सॉल्यूशन हम कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो प्रिंटर आपके सामने है, देखिए एक प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए साउंड का प्रॉब्लम आपको मिल रहा है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग का प्रॉब्लम आ रहा है, और दूसरा दोस्तों इसमें पेपर पिकिंग का भी प्रॉब्लम आ रहा है, और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पासबुक देने से, देखिए पासबुक देने से पासबुक जो है वो टेढ़ा हो जा रहा है और प्रिंट आउट भी टेढ़ा होकर निकल रहा है। अभी देखिए कॉन्टिन्यूसली मूविंग का प्रॉब्लम आ रहा है, आप सुन सकते हो देख भी सकते हो। देखिए इस प्रिंटर में कोई भी मतलब कमेंट मैंने डाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मूविंग का प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप कैसे इस प्रिंटर का सॉल्यूशन पा सकते हो? तो दोस्तों आपके पास भी अगर कोई भी पासबुक प्रिंटर है जिसमें सेम आपको प्रॉब्लम मिल रहा है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस प्रिंटर में तीन प्रॉब्लम है, तो तीन प्रॉब्लम का तीन अलग अलग सॉल्यूशन होता है। तो एक एक करके मैं ट्रबल शूट करूँगा, डायग्नोस्टिक करूँगा और आपको बताता जाऊँगा कि कैसे आपको चेक करना है और कौन सा पार्ट्स आपको चेंज करना है। तो देखिए आप देख सकते जैसे कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मूविंग हो रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों पासबुक प्रिंटर के ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे जितना सारा प्रॉब्लम मतलब पासबुक प्रिंटर में होता है ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है। तो अभी दोस्तों इस प्रिंटर में तीन प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी इस तीन प्रॉब्लम को हम फिक्स करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे जो सेंसर होता है दोस्तों, अपर सेंसर एंड लोअर सेंसर, उसके वजह से आपका पेपर पिकिंग का प्रॉब्लम होता है और कॉन्टिन्यूसली मूविंग का भी प्रॉब्लम होता है, और जो पेपर पासबुक टेढ़ा हो जा रहा है उसका प्रॉब्लम दूसरा है। मैं आगे जाके इस वीडियो में आप लोगों को दिखा दूँगा और उसको फिक्स करके भी दिखाऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले डिसअसेंबल करेंगे। तो इस वीडियो में आपको डिसअसेंबल कैसे करना है वो भी देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रिंटर को ऑफ कर लेते हैं। तो पीछे दोस्तों दो स्क्रू रहेगा, इसको फटाफट निकाल लीजिए। और फ्रंट साइड में देखिए यहाँ पे एक स्क्रू है, फ्रंट पैनल को आपको निकालना है। और यहाँ पे देखिए कंट्रोल पैनल होता है, इसका केबल और इसका सेंसर, इसको भी हम साइड में रख देते हैं अभी। अभी दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे आपको तीन लॉक मिलेगा, यहाँ पे एक दो तीन, इसको अनलॉक करना है। देखिए बहुत ही इजी है, और इसको ऊपर से निकाल लीजिए। देखिए पूरा जो है कैबिनेट आपका बाहर आ जाएगा।
अभी देखिए एक एक करके हम प्रॉब्लम दिखाएंगे, थोड़ा नज़दीक ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख सके। अभी आप जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो आप जो सेंसर आपको मिलेगा, अपर सेंसर एंड लोअर सेंसर, उसको आप ऐसे ही क्लीन करके भी लगा सकते हो, आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सेंसर के वजह से जो पेपर पिकिंग का और कंटिन्यूअसली मूविंग का प्रॉब्लम आ रहा है वो फिक्स हो जाएगा। और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंसर नया लगाने के बाद भी आपका अगर प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम रह जाता है, तो आप ज़रूर एक इस जो सेंसर केबल देख रहे हो, इस केबल को ज़रूर चेक कीजिएगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो पीकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है सेंसर के वजह से हो रहा है, हम आगे जाके दिखाएंगे, और जो कंटिन्यूअसली मूविंग का प्रॉब्लम आ रहा है वो भी सेंसर के वजह से ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पासबुक टेढ़ा होके निकल रहा है, टेढ़ा हो जा रहा है, मतलब पेपर लेने के बाद, पासबुक लेने के बाद, उसका वजह देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखिए मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो रोलर है दोस्तों, इसको आरे रोलर बोला जाता है, देखिए पूरा घिस गया है, और जो पीजी असेंबली है ये भी देखिए यहाँ पे फट गया है। तो इस दो पार्ट्स के वजह से आपका जो पासबुक है वो अंदर जाके पूरा टेढ़ा हो जा रहा है। तो इसको हम लोगों को चेक करना है, और अगर ख़राब है तो इसको चेंज कीजिए। आप इसको रिपेयर कर नहीं सकते, इसको भी आप रिपेयर कर नहीं सकते, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। और जो आरे रोलर है इसको भी आपको चेंज ही करना है, क्योंकि इस रबर आपको मिलेगा नहीं। तो पूरा का पूरा जो रोलर है आपको चेंज करना है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, आरे रोलर को चेंज करेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, PLQ 20 अगर होगा तो उसमें अगर आपका जो यहाँ पे राइट साइड में गियर दिख रहा है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो पिन गियर आपको दिख रहा है, 20 में पिन गियर होता है, तो इसको निकलने से ही ये वाला जो आरे रोलर है वो आराम से निकल जाता है। लेकिन 30 या 35 में अगर होगा तो पूरा का पूरा आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो तीनों स्क्रू खोल लीजिए इसका। तो इस वीडियो में दोस्तों पासबुक प्रिंटर का 70% जो प्रॉब्लम आप लोगों को मिलता है, इस वीडियो से ही आपको मिल जाएगा। मतलब दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला वीडियो अगर अंत तक आप देखिएगा तो पूरा सीख जाएंगे कि कैसे आपको पासबुक प्रिंटर रिपेयर करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तीन प्रॉब्लम मोस्टली यही वाला कॉमन प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा यही वाला प्रॉब्लम आपको पासबुक प्रिंटर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, और यहाँ पे एक नोच होता है, इसको भी निकाल लीजिए। तो देखिए कितना खराब हो चुका है। तो
तो इसको हम चेंज करेंगे, पीजीए असेंबली को कैसे चेंज करना है वो भी हम दिखाएंगे आपको। और देखिए सेंसर, देखिए तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि सेंसर एक्चुअली ख़राब है या ठीक है, कैसे आपको पता चलेगा वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। सेंसर आपको अगर चेक करना है कि ठीक है या ख़राब है तो आप चेक कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो वो भी मैंने उस वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। तो डिस्क्रिप्शन में मैं देने की कोशिश करूँगा, अगर नहीं दे पाए तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि सेंसर कैसे चेक किया जाता है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रोलर है आरएफ रोलर, इसको हम लोगों को पूरा निकालना है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे पूरा फिक्स्ड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। PLQ 30 में दो वर्सन आता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पिन गियर के साथ लगा हुआ है, पिन गियर के साथ ही लगा हुआ है, लेकिन आपको PLQ 30 में और एक आरएफ रोलर देखने को मिलेगा, जैसे कि मेरे पास है। देखिए ऐसा फिक्स भी आपको मिलेगा। ऐसा पूरा फिक्स होता है, देखिए यहाँ पे पूरा फिक्स होता है, ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे पिन के साथ भी मिलेगा। तो पिन के साथ अगर आपको मिला है तो बहुत ही इजी है, इसको आप आराम से खोल सकते हो। यहाँ पे एक नॉच होता है, इसको आराम से निकाल लीजिए। देखिए ऐसा होता है। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो पिन है, पिन गियर का पिन टूट जाता है, उसके वजह से भी मतलब आपको कंटिन्यूसली मूविंग का प्रॉब्लम आएगा और पेपर पिकिंग का भी प्रॉब्लम आएगा इस छोटा सा गियर के लिए। तो ये भी आपको चेक करना है कि ठीक है कि नहीं। अभी देखिए जो आरएफ रोलर का हालत देखिए, पूरा देखिए पूरा घिस चुका है। तो इसके वजह से दोस्तों क्या होता है, जो पासबुक है वो टेढ़ा हो जाता है। तो ये वाला आपको चेक करना है, अगर घिस गया है, ख़राब हो गया है तो इसको चेंज कीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर सर्विस सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो देखिए मेरे पास जो दूसरा आरएफ रोलर है, तो यही वाला मैं यहाँ पे लगा दूँगा। और लगाने के बाद इसको फिक्स करेंगे। तो चलिए कैसे लगाते हैं, देखिए इस वाला गियर को आपको खोलना है और जितना सारा वॉशर वगैरह है आपको वॉशर वगैरह लगाना है, नहीं तो दोस्तों काम नहीं करेगा ये वाला रोलर जो है वो काम नहीं करेगा। स्प्रिंग वॉशर जो भी है आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉशर लगा दीजिए पहले, उसके बाद म
वाला स्प्रिंग यहाँ पे घुसा दीजिए, और उससे पहले दोस्तों जो बड़ा गियर आपको दिख रहा है इसको पहले खोल लीजिए, नहीं तो आपको इस गियर को घुसाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। ये भी खोलना बहुत ही इजी है, देखिए यहाँ पे लॉक होता है, लॉक को थोड़ा सा पुल कीजिएगा तो निकल आएगा। देखिए ये वाला जो लॉक दिख रहा है इसको थोड़ा सा दोनों साइड से पुल करेंगे तो आराम से निकल जाएगा। और थोड़ा सा दिक्कत तो है दोस्तों, लेकिन आपको धीरे धीरे करना है। ये जो स्प्रिंग आपको दिख रहा है स्प्रिंग को यहाँ पे घुसाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने घुसा दिया और पिन आपको दिखना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे पिन आपको दिख रहा है, पिन बाहर आना चाहिए नहीं तो ये वाला जो गियर है वो काम नहीं करेगा, तो आराम से करना है। देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसके साथ दोस्तों वाशर भी होता है तो वाशर भी आपको लगा देना है। दोस्तों मैंने सोचा था कि यही वाला आरएफ रोलर यहाँ पे इंस्टॉल होगा मतलब रहेगा, लेकिन दूसरा है इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाया कि कैसे डिसअसेंबल करना है। तो असेंबल में देख लीजिए कैसे आपको डिसअसेंबल करना है। तो डिसअसेंबल के वक्त आपको जो दो वाशर आपको दिख रहा है, दो वाशर आपको यहाँ पे एक मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक वाशर रहेगा और यहाँ पे एक वाशर रहेगा यहाँ पे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक वॉशर रहेगा। इस वॉशर को पहले आपको खोल लेना है और अंदर में यहाँ पे एक वॉशर रहेगा। इस वॉशर को भी आपको खोल लेना है और इसको पुल कीजिएगा तो आराम से आपका निकल जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, इसमें जो इसके अंदर जो वॉशर और पिन लगा हुआ है स्प्रिंग, उसको आपको लगाना है। लेकिन नहीं तो आपका जो मतलब आड़े प्रोलर है वो काम नहीं करेगा। अभी देखिए पूरा फिक्स हो चुका है, अभी आराम से मूव हो रहा है। और यहाँ पे जो पासबुक टेढ़ा हो जा रहा था वो वाला प्रॉब्लम इसमें अभी नहीं आएगा। तो ये वाला तो हो गया। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसको हम ब्लोअर से साफ करेंगे। तो दोस्तों आपके पास अगर ब्लोअर होगा तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा आपको साफ करने में। तो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से, ब्लोअर आपको चाहिए एक। तो अभी चलिए साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, मतलब एक झटके में देखिए पूरा क्लीन हो गया। तो ब्लोअर रहने से बहुत ही मतलब इजी हो जाता है काम करने में। तो अभी देखिए ये वाला तो हो गया। अभी जो हम लोगों को करना है, तो पीडीए असेंबली जो है स्ट्रिप को हम लोगों को चेंज करना है, स्ट्रिप को। तो इसका तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर आपको एक लॉक मिलेगा। इस लॉक को खोल लीजिए आराम से। और यहाँ पे देखिए एक स्प्रिंग भी है, तो थोड़ा सा लेफ्ट के तरफ मूव कीजिए तो निकल के आ जाएगा। तो स्प्रिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्प्रिंग को ठीक ठाक से रखिए। ये वाला स्प्रिंग हम लोगों को चाहिए, नहीं तो दूसरा हम लगा नहीं सकते। तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते पहले। तो जैसे कि दोस्तों मैं वीडियो के शुरू में ही बोला था कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आपको अगर सीखना है, जानना है, तो पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। अभी देखिए मेरे पास नया वाला स्ट्रिप मेरे पास है, इसको हम लगाएंगे। तो सेम तरीका है लगाने का, यहाँ पे देखिए स्प्रिंग लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे स्प्रिंग लगा देंगे और यहाँ पे घुसा देंगे। तो स्प्रिंग लगाने के बाद दोस्तों एक बार आप देख लीजिएगा,
हाँ ऐसा ही होना चाहिए, इसको घुसा दीजिए। अभी इस लॉक को भी यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए ये वाला ऐसा काम करना चाहिए, तभी जाके आप सोचेंगे कि जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप आपने ठीक ठाक से लगाया है, क्योंकि ये वाला जो स्प्रिंग है ये काम करना चाहिए। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आड़े प्रोलर था और स्ट्रिप था वो मैंने लगा दिया ऑलरेडी, तो जो प्रॉब्लम आ रहा था पासबुक टेढ़ा हो जाने का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो तो अभी नहीं आएगा, लेकिन जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था कि कॉन्टिन्यूसली मूविंग हो रहा है और पेपर पिकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे दोनों सेंसर को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सेंसर यहाँ पे लगा हुआ था, तो मैंने खोला था आप लोगों को भी दिखाया था, ये वाला है लोअर सेंसर, इसको भी हम चेंज करेंगे, इसको साफ करके भी आप चला सकते हो कुछ दिन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर चेंज करना चाहते हो तो इसको डायरेक्टली चेंज कर दीजिए। तो मेरे पास नया वाला है, देखिए नया वाला है यहाँ पे लगा देंगे। आपको अगर बेटर रिजल्ट पाना है तो आपको नया वाला सेंसर ही लगाना है। तो देखिए आड़े प्रोलर जो होता है, मैंने बोला था कि दो तरीके का आड़े प्रोलर आपको यहाँ पे मिल सकता है PLQ 30 में, लेकिन 20 में आपको ऐसा ही मिलेगा जो इसमें लगा हुआ था, ऐसा ही आपको मिलेगा 20 में, लेकिन 30 में आपको ऐसा भी मिल सकता है और ऐसा फिक्स्ड वाला आड़े प्रोलर भी मिल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 35 में फिक्स्ड वाला ही मिलेगा आपको। तो अभी देखिए यहाँ पे सेट हो चुका है, इसलिए मतलब सेंसर भी यहाँ पे बैठ गया है। अभी हम क्या करेंगे इसको लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे लग गया है, अभी स्क्रू भी लगा देंगे यहाँ पे। तो दोस्तों हड़बड़ी मत कीजिएगा, ध्यान से देख देख कर कीजिएगा, नहीं तो आपको फिर से खोलना पड़ेगा प्रिंटर को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा और आप खुद से ही रिपेयर कर सकते हो। मैंने दोस्तों यूट्यूब में बहुत खोजा कि आड़े प्रोलर कैसे चेंज किया जाता है, मुझे तो एक भी वीडियो मिला नहीं आड़े प्रोलर कैसे चेंज किया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आड़े प्रोलर कैसे चेंज किया जाता है वो कवर कर दिया, क्योंकि फिक्स वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। नॉर्मल अगर आड़े प्रोलर होगा तो आप आराम से चेंज कर पाओगे, लेकिन फिक्स वाला होगा तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो मेरा वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे जो अपर मेकानिज़म है इसके अंदर ही देखिए यहाँ पे लोअर सेंसर लगा होता है, तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो स्क्रू लगा हुआ है, दो स्क्रू खोलने से ही आपका जो है लोअर अपर सेंसर भी आपको दिख जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपर सेंसर लगा हुआ है, इसको भी हम चेंज कर देंगे बेटर रिजल्ट पाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा धूल मिट्टी लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा ब्लोअर कर लेते हैं।
और यहाँ पे दोस्तों छोटा छोटा पिन होता है, देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप अगर साफ करोगे तो ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये वाला पिन अगर मतलब जहाँ पे बैठा है वहाँ से हट जाएगा तो आपका जो है रोलर काम नहीं करेगा। ये जो रोलर आपको दिख रहा है ये भी सेंसर के ऊपर काम करता है। और देखिए यहाँ पे जो अपर सेंसर लगा हुआ है उसको भी हम दिखा देते हैं आपको। देखिए अपर सेंसर लगा हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे पिन वगैरह है तो ध्यान से देखिएगा और क्लीन कीजिएगा। थोड़ा सा ब्लोअर दे देते हैं। तो क्लीन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो पिन आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। देखिए जहाँ पे आपका बैठा है ऐसे ही आपको रखना है, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास अपर सेंसर भी है, तो हम लगा देंगे। तो सेंसर कैसे चेंज करते हैं वो मैंने ऑलरेडी कवर किया था, फिर भी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो इस वीडियो से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलता है वो यही वाला तीन प्रॉब्लम है। एक तो पेपर पिकिंग का, दूसरा कॉन्टिन्यूसली मूविंग का, और पासबुक जो है टेढ़ा हो जा रहा है, ये वाला प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा। थोड़ा सा अगर आपका प्रिंटर पुराना हो गया है तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आड़े प्रोलर चल जाता है, ज़्यादा ख़राब होता नहीं है। तो आपको लगेगा कि सेंसर की वजह से हो रहा है, लेकिन सेंसर की वजह से दोस्तों कभी कभी होता है, ज़्यादातर आपका आड़े प्रोलर के लिए होता है। तो यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे आराम से। और बिठाने के बाद यहाँ पे दोस्तों वो जो पीजी असेंबली स्ट्रिप लगाया था वो भी आपको देखना है कि ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं। अभी दोस्तों यहाँ पे स्क्रू लगा दीजिए। तो आखिर में दोस्तों हम आपको दिखाएंगे जो कॉन्टिन्यूसली मूविंग का प्रॉब्लम आ रहा था वो तो आपने देख ही लिया, और पासबुक का मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास पासबुक नहीं है, मैं सर्विस सेंटर में इसको रिपेयर कर रहा हूँ और लाइव प्रूफ कर रहा हूँ, आपके सामने ही कर रहा हूँ। मेरे वीडियो में आपको काट बगड़ा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी होता है आपके सामने ही होता है, रिपेयर भी हो जाता है और वीडियो भी बन जाता है दोस्तों। तो रियल वीडियो है, फेक वीडियो नहीं है। और इसके अलावा आपको अगर दूसरा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, और कमेंट करने से पहले ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, प्रिंटर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको जितना सारा पासबुक प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो है मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट कीजिए। वहाँ पे आपको अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट कर कीजिएगा।
क्योंकि आरडी असेंबली कैसे चेंज किया जाता है, तो अभी हम सेंसर यहाँ पे लगा देंगे केबल। तो देखिए ये वाला जो है लोअर सेंसर के लिए, और ये वाला जो है अपर सेंसर के लिए। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला केबल फ्रंट पैनल के लिए। तो यहाँ पे जो स्पॉन्ज आपको दिख रहा है, स्पॉन्ज बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, डस्ट रोकने के लिए कंपनी इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भी ऐसे ही लगा देना है। देखिए मैंने लगा दिया, अभी यहाँ पे हो गया। अभी देखिए राइट साइड में मैंने दो गियर खोला था, उसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे जो रोलर लगा हुआ है आरपी रोलर, ये भी देखिए आरएफ रोलर ही है। तो यहाँ पे जो आरएफ रोलर लगा हुआ है वो फिक्स्ड है दोस्तों, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था इसमें भी होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पिन गियर के साथ लगा हुआ था। तो ऐसे ही आपको मिलेगा, अगर पी एल क्यू 20 में आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपको नॉर्मल आरएफ रोलर ही मिलेगा। तो ये वाला पिन भी टूट जाता है, इसके वजह से भी आपका कंटिन्यूसली मूविंग का प्रॉब्लम आता है। तो ये वाला चेक करने के लिए आपको दो जो गियर मैंने खोला था वो वाला गियर खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा इसका पिन टूट गया है कि नहीं, क्योंकि मिडिल में रहता है तो पता नहीं चलता कि इसका पिन टूटा है कि नहीं, लेकिन असल में काम करता नहीं है, तो आपको चेक कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बिठा दिया, अभी जो है ये वाला यहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए अभी ठीक ठाक से काम कर रहा है। थोड़ा सा साफ कर लेते पीछे का। तो दोस्तों ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा ऑफ कर देंगे। हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी हम टेस्ट करेंगे। तो इसका कवर वगैरह लगाएंगे, फ्रंट पैनल लगाएंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा ब्लोअर दे देते हैं इसमें। तो चलिए यहाँ पे हम बिठा देंगे। अभी देखिए फ्रंट पैनल को लगाएंगे। तो आपको अगर दिक्कत आ रहा है फ्रंट पैनल यहाँ से लगाने में, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे चार स्क्रू दिख रहा है, स्क्रू को आप खोल सकते हैं और आराम से लगा सकते हैं।
देखिए मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो बेटर है कि आप इस चार स्क्रू को खोल लीजिए, से आराम से हो जाएगा। नहीं तो अगर ये वाला पिन वगैरह टूट गया तो आपके पास दूसरा होगा नहीं। तो चार स्क्रू खोलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपका जो काम है वो आराम से हो जाएगा। देखिए अभी जो है, अभी चलिए इसको पावर ऑन करके एक बार देख लेते हैं। तो अभी पेपर देखे देखेंगे एक बार। देखिए अभी सही से काम कर रहा है और एग्जिट भी हो गया, हो रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस प्रिंटर में अभी जो तीन प्रॉब्लम आ रहा था तो मेरे हिसाब से अभी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या चेंज किया। देखिए यहाँ पे आरएफ रोलर चेंज किया और पीडीए असेंबली स्ट्रिप भी चेंज किया, जिसके लिए दोस्तों जो पासबुक था, पासबुक है वो टेढ़ा हो जा रहा था और प्रिंट आउट भी टेढ़ा होकर निकल रहा था। तो मैंने दो पार्ट्स चेंज किया। और दोस्तों कंटिन्यूसली मूविंग और पेपर पिकिंग का जो प्रॉब्लम आ रहा था उसके लिए हम लोगों ने सेंसर चेंज किया, ये जो लोअर सेंसर है और अपर सेंसर है। तो इसके वजह से हम लोगों का जो प्रॉब्लम था प्रिंटर में, ओवरऑल प्रॉब्लम, वो ख़त्म हो चुका है। अभी दोस्तों इस प्रिंटर के साथ आप 2 साल या 1.5 साल आराम से मतलब निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये वाला प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगा। आराम से कीजिएगा, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या दिक्कत आ रहा है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का और हो सके तो उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे अगर नया कोई प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने पासबुक प्रिंटर के ऊपर बहुत सारा वीडियो बना के अपलोड करके रखा हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए, कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।